साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उर्दू ग्रामर में कहावत, यानी कहावत किसे कहते हैं। एक कहानी है, दर्जेल कहानी पढ़े। एक दिन की बात है, एक लोमड़ी अपनी गजा की तलाश में निकली। सारा दिन घूमती फिरती रही, खाने को कुछ ना मिला। इसी तलाश में एक बाग में पहुँच गई। वहाँ अंगूर की बेल थी, अंगूर के रसदार गोशे लटक रहे थे। लोमड़ी के मुँह में पानी भराया, आस पास देख कर वह अंगूर के गोशे की तरफ उछली, मगर उस तक ना पहुँच सकी। थोड़ी देर बाद रुख बदल कर फिर छलांग लगाई, मगर मुंह में एक भी अंगूर नहीं आया। उसने सोचा हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। फिर उसने अपने जिस्म में फुर्ती पैदा की और लगातार कई छलांगें लगाई, मगर अंगूर तक ना पहुंच सकी और बुरी तरह थक गई। आखिरकार निढाल होकर बाग से बाहर जाने लगी। जाते जाते उसने अंगूरों को मुड़कर देखा। इतनी देर में एक दूसरी लोमड़ी आई और कहने लगी, बहन क्यों चल दी, अंगूर नहीं मिले। लोमड़ी ने कहा, नहीं अंगूर तो बहुत हैं लेकिन खट्टे हैं। कहने के आखिर में लोमड़ी ने अंगूर ना खाने की वजह जो वजह बताई, यानी अंगूर खट्टे हैं कहावत है। लोमड़ी ने अपनी शर्मिंदगी दूर करने के लिए वो वजह बताई। ऐसे हम ऐसे मौके पर बोलते हैं जब कोई अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए कोई बहाना बनाता है। ठीक है जी, कहावत। तो इसका अब एक लाइन में जो कहते हैं कहावत को, ये कहावत वो फकरा है, जुमला या कौल जिस बात में रोज़ जोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहावत के पीछे कोई वाकया कहानी ज़रूर होती है। ठीक है, अब इसके बाद लिखा है, कहानी के चंद अल्फाज वो बात बयान कर दें जिसके लिए आम तौर पर ख़ास तफसीली दरकार होती है, यानी लंबी चौड़ी बात करने से पहले कहावत कर। हर कहावत इंसानी तजर्बे का निचोड़ पेश करती है। इसमें बड़े गुर की बातें बयान होती हैं। किसी समाजी या तहजीबी तजर्बे या वाक़े के असर से अपने आप में वजूद में आती और फिर एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक और कभी कभी एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुंचती है। अब यहाँ पे कुछ कहावतें। अपनी जबान में कहावतें एक बड़ा खजाना है। आज कुछ मिसालें। आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी एक मुसीबत से निकल कर दूसरे में फंसा। अभी दिल्ली दूर है, काम पूरा नहीं हुआ, यह मकसद पूरा होने में देर। चार दिन की चांदनी फिर अंधेरे जा। जिंदगी के थोड़े दिन आराम चैन से गुजरते हैं, उसके बाद फिर वही मुसीबत। मान न मान मैं तेरा मेहमान, अपने आप को किसी पर ज़बरदस्ती मुसल्लत करना। जैसी करनी वैसी बनी, जैसा अमल करोगे वैसा फल पाओ। नाचना जाने आंगन टेढ़ा, काम करना ना आता हो और काम ही ख़राब कर दिया जाए। तो ये एक कहावत की मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।